ये आपको दिखाते हैं जी व्यूज का। बारिश हो रही है थोड़ी ज्यादा और ये पत्थर ही पत्थर हैं सारे, इन पे चल के थोड़ा सा जाना पड़ेगा। ये देखें ये दरिया चेक करें, चेक करें यार, बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही है। डर है कि कहीं मोबाइल जो है ना वो खराब ना हो जाए। हसीब का मजाक उड़ा रहे थे ना तुम, सास आ गई कि नहीं? आज उस से भी जाना बहुत मुश्किल है। हाँ? जाम हाइकिंग कर लिया। नहीं नहीं आज बारिश है तो फिर नहीं जा सकते। ये देखें जी हमारे पीछे झरना और ये देखें ये दरिया नीलम, ये झरना इधर जा रहा है और आपको मैं दिखाऊं वो उस जगह से, आप देखें वो जो जगह वो जहाँ भाई आपको नजर आ रहा है वहां से हम नीचे उतरे। अच्छा जी ये तो हमारे आमिर भाई तो ऐसे भागते भागते नीचे उतर रहे थे कि जैसे जमीन हो, और भाईजान हमारी तो फिर कांपे टांग रही थी, तो मैं तो पहले उतरा हूँ और फिर वापस ऊपर चढ़ गया हूँ। फिर जब मैंने देखा कि ये हमारे अयूब भाई मज़े मज़े से नीचे उतार रहे हैं, फिर मैंने भी हिम्मत की, सिर्फ ये व्यू के लिए हम यहाँ पे नीचे उतरे हैं, अगर गिर जाते ना तो बचना हमारा कख नहीं था।
हम यहाँ बैठे हुए चिल कर रहे हैं, या यू भाई खड़े हुए हैं, ये दरिया गुजरा है और इस दरिया का जो बहाव है ना वो भाईजान कमाल होता है। ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, और ये देखें ये पत्थर चेक करें और इधर से देखें, ये देखें ये दरिया गुजरा है और इसकी इसका बहाव इतना है कि आप सोच नहीं सकते। और हम कोशिश कर रहे हैं इससे थोड़ा दूर दूर ही रहें, और बस अब निकलते हैं यहाँ से। बस हमारी किस्मत ऐसी है यार, वहाँ गए तो बारिश स्टार्ट हो गई, अब जब वहाँ से निकल आए तो बारिश बंद हो गई, बस अब क्या कर सकते हैं। दोबारा से जाना पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, ऊपर पहाड़ तो नहीं है खैर, लेकिन रास्ता इस तरह का है कि बारिश हुई है ना तो पैर नहीं पड़ते। अब ये देखें ये तो मज़े से जा रहे हैं, अब मैं सोच रहा हूँ खैर अल्लाह मालिक है, जैसे उतरे ऐसे चढ़ भी जाएंगे। ये चश्मे का पानी आ रहा है, अब हम जा रहे हैं ऊपर, ऊपर पहुँच जाएंगे। अच्छा टेंशन तो नहीं होगी, चलो भाई ने कह दिया अल्लाह मालिक है। यहाँ से भी एक चश्मा आ रहा है और ये भी सीधा यहाँ से वो दरिया में जा रहा है। ये ट्रैक है, यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं, ये देखें अभी ये जीप आ रही है और ये नीचे दरिया। ये ट्रैक है जिसपे से गाड़ियाँ चल के जाती हैं, अभी बारिश हुई हुई है तो ये ट्रैक ख़तरनाक हुआ। ये हमारी जीप है जिसमें हम आए थे, और ये आप रास्ता चेक करें जिस रास्ते से होके हमने जाना है। ये अभी हम जहाँ घूम रहे हैं ना ये है भाई मुजफ्फराबाद सिटी, और यहाँ पर बारिश हो जाए तो मौसम बहुत अच्छा होता है, बारिश ना हो तो यहाँ की जो गर्मी है ना वो बहुत बुरी है, क्योंकि ये इलाका ऐसे समझ लें आप के पहाड़ों के बिल्कुल बीच में है, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो ऐसा ही होता है जैसे हमारे यहाँ नॉर्मल सिटीज़ में होता है कि गर्मी है तो गर्मी है, सर्दी है तो मौसम कुछ ठीक है। हाँ अगर यहाँ बारिश हो जाए तो क्या ही बात है, यहाँ के मौसम की लाजवाब। यार गर्मी बहुत तेज़ है यहाँ पे, यकीन करो रहीमर खान वाला फील आ रहा है। ये आप देख रहे हो बैकग्राउंड में ये दरियाए जहलम गुजर रहा है, और दरियाए जहलम पे से हम लोग गुजर रहे हैं। अभी एक और इलाके पे हम जा रहे हैं, मुझे नाम का नहीं पता क्योंकि यहाँ पे नाम बहुत मुश्किल है, तो अभी देखते हैं यार जब जाएंगे ना फिर वहाँ से पूछ के आपको बताऊँगा कि कौन सा इलाका है। ये देखे यार ये व्यू चेक करें, ये वो सामने पहाड़ यहाँ से हम गुजर के जा रहे हैं। ये देखें ये शाही सवारी पे हम जा रहे हैं, और वो पीछे वाला जो पट्टा है ना वो हमारे नसीब में आया। खैर कोई नहीं यार, ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस। ये हम पहुँच गए यार, इस जगह का नाम मुझे नहीं आता, अब ये भी मुझे कंफर्म नहीं है कि ये नीलम है या जहलम है, जहाँ तक मुझे लग रहा ना ये जहलम है। और ये देखें कितना प्यारा व्यू है इसका, मैं कंफर्म करता हूँ किसी से ये कौन सी जगह है और उसका नाम क्या है। और आगे भी हम जा रहे हैं और मज़ीद थोड़ी सी हैकिंग है क्योंकि वहाँ पे रोड नहीं है और पहाड़ क्रॉस करके जाना पड़ेगा। यार सबसे जो बुरी चीज़ है ना वो यही है, लेकिन कश्मीर आए और अगर आप पहाड़ नहीं चढ़े तो भाई आपका कोई फ़ायदा नहीं कश्मीर आने। ये देखे भाई हम ये वाली गाड़ी में इतने सारे लोग चढ़ के आए, ये देखो ये वाली गाड़ी तो उतर गए कुछ बंदे जो है अभी इसमें से उतर गए। और ये देखे पीछे ये सारी पता नहीं आपको नजर आ रही होगी या नहीं नजर आ रही होगी, सारी पहाड़ी है, मैं आपको दिखा दूं। ये देखे हमारे आसिफ भाई की हालत है, आसिफ भाई क्या हो गया। ये देखो भाई वो नीचे चश्मा जा रहा है,
उसके नीचे पता नहीं क्या है, वो सामने पहाड़ ही पहाड़ है। ये हसीब है हमारा बेचारा, ये देखें। इस रोड पे हम आए हैं, एक तरफ पहाड़ है, ये कच्ची रोड है और नीचे पता नहीं क्या है। अभी भाई कितनी ऊंचाई पे हम? कोई से तो 4000 किलोमीटर होगा। 4000 किलोमीटर, सॉरी मीटर, फिट किलोमीटर हमारा अभी। कितने बंदे थे गाड़ी में? 9 कार में। ये देखें जी, रास्ता चेक करें जिससे हम नीचे उतर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह मालिक है। ये चेक करें जी, हम पैदल पैदल माऊ माऊ चल रहे हैं। और ये भी देख लें, ये पानी जा रहा है नीचे। ये रास्ता चेक करें जी। अयूब भाई सीधा सीधा चलें, ये ना आपकी इस उम्र में कमर बल खा जाए। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। यार ये चेक करें भाई, ये देखें पानी ही पानी। ये पीने का नहीं है, पीने का नहीं है भाई, आगे से पियेंगे। ये पानी आ रहा है और यहाँ से नहीं पीते, आगे से पिएंगे। और ये पानी आमिर भाई पीछे बेचारे सामान उठा के आ रहे हैं और हम लोग चलते जा रहे हैं। जबरदस्त मजा भी आ रहा है पर रास्ता डेंजरस है यार। हम मोबाइल बंद करते हैं थोड़ी देर के लिए क्योंकि रास्ते पे फोकस करना पड़ेगा। ये चेक करें, कैसा टेस्ट है युब? ठंडा ठंडा। ये देखें ये हफीज भाई कहाँ से आ रहा है ये पानी? पहाड़ों से? चश्मे से निकल रहा है। ये आगे बस्ती में जा रहा है, ये 24/7 चलने वाला पानी है। पूरी बस्ती में जा रहे हैं, 24/7 पानी चलता रहता है। एक भरे दूसरा तीसरा, हर घर में लाइन लगी है। आगे जा रहे हैं ना, आगे परमानेंट लाइन हर घर में, एक घर भरते हैं बंद करके दूसरा भर रहा है, तीसरा सब भर रहे हैं। सही। ये देखें जी वो वाले चश्मे से जो आपको पहले दिखाया था वहां से ये पानी आ रहा है और यहाँ से आगे बस्ती में। थोड़ा पीछे भला खाली कर, खाली कर, खाली कर, कर कर नहीं चला जाएगा फिर से ले ले, तो फिर चल नहीं सकेगा टाइम पर। इसी को ना तब भला पूरा ये वाला व्यू चेक करें, ये और ये। और ये हमारा भाई कलमे पढ़ता हुआ जा रहा है आगे आगे, हसीब मियां। बस्ती में इससे पूछो ना तो कहेगा मेरे बराबर का कोई जवान नहीं है। अभी दो पत्थर चढ़े हैं कि जनाब के कलमे निकल आए। ये उसको समझाया कर। यार मजा आ रहा है हैकिंग करने में, लेकिन हम लग रहा बुढ़े हो गए, सांस फूल जाती है यार। काश हमने कभी अपनी रोड़ें है ना पैदल चली होती, आज इन पत्थरों पे चलने का स्टेमिना होता हमारा। वही पता नहीं ये कौन सा जंगल है, नाम का हमें नहीं पता, पता नहीं क्या गड़ी दुपट्टा या कड़ी दुपट्टा क्या बोलते हैं यार, समझ नहीं आ रही। बैठेंगे ना फिर तसल्ली से पूछेंगे इस जगह के बारे में, ये जगह कौन सी है। देखें ये रास्ता चेक करें, इन्हीं पत्थरों पे चल के हम पहुंचेंगे अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे। वैसे अभी तक हमने कश्मीर की जितनी भी जगहें देखी है ना सभी माशाल्लाह खूबसूरत हैं, लेकिन डेंजर बहुत है। हमारा शहीद हो गया, अब हम दो फौजी बचे, इसने भी सामान उठाया हुआ है और मैंने भी। तो सबसे ज़्यादा हिम्मत है उस भाई की, बेचारा 25-30 किलो का थैला उठा के पहाड़ चढ़ रहा है और ये फौजी हमारा शहीद हो गया है। इसको अब ये फौजी हमारा जवाब दे गया है। अभी भाई
ये रास्ता जाएगा ऊपर, फिर आगे पता नहीं सीधा रास्ता आएगा। हफीज भाई कितना ऊपर जाना है, ख्याल करना यार, ये ना हो सीधा अल्लाह के पास पहुंच जाए यार। ये देखो भाई वो सामने वाली पहाड़ी नजर आ रही है, पता नहीं धुंध धुंध सी बादल बादल से छाए हुए। और ये देखें ये रास्ते पे हम चल के आए, और ये रास्ते से चल के ये व्यू चेक करें भाई। वो वहां से कौन सा इलाका है वो? गड़ी दुपट्टा। गड़ी दुपट्टा। और अभी कहाँ जा रहे हैं हम? रड़ी सईदा। सही। कितना ऊपर है? और वो भाई वहां चढ़ना है। और ये देख लें ये बंदा देखो यार हमारा चल रहा है, ये आज के बाद कश्मीर नहीं आता, इसको हम जबरदस्ती डिग्गी में बंद करके लाएंगे और इसको बड़े बड़े पहाड़ चढ़ाएंगे। ओए ये व्यू चेक करो भाई, अमेजिंग यार। ये सारा लगा अपने सामने लगा है ना, जो ये पहाड़ वो जो घर बने हुए ना आगे तक सारा अपना इलाका है। ये मेरे नाना की डेथ हो सामने उस घर में थी, ये हमारे रिश्तेदार है, सारा अपना इलाका है। और वो देखें झरने का पानी जा रहा है, मेरे ख्याल ये जाएगा सीधा दरिया में। हाँ दरिया में जाएगा वहाँ। देखें ये सारा माशाल्लाह हफीज भाई वालों का इलाका है, गांव है उनका। हमारे वहाँ पे जमीनें होती हैं लोगों की, यहाँ भाईजान पहाड़ होते हैं लोगों के। वो पहाड़ मेरा, वो मेरा, ये इसका। तो यार लग रहा था ये सिंपल है भाई, ये बहुत खतरनाक हैकिंग है, अल्लाह रहम करे और सलाह खैर से पहुंच जाए भाई। ये देखें वो ऊपर जाना है, फिर उससे ऊपर जाना है, अल्लाह अकबर। भजन कल मैं पढ़ ली है, जितनी कुरान पाक की सूरह याद थी सारी पढ़ ली है, अल्लाह खैर करे बस पहुंच जाए। किसी ने क्या खूब कहा है कि मंजिलें बहादुरों का इस्तकबाल किया करती हैं। वो और बात है कि बहादुरों की अभी मत वजी हुई है पहाड़ चढ़ चढ़ के, अल्लाह। वो देखे हमारा फौजी शहीद हो जाता है हर दो मिनट पर बैठ जाता है। भाई इस स्पीड से चले ना तो अगली सुबह ही पहुंचेंगे भाई, हिम्मत करो। हाँ बस थोड़ा सा ऊपर चढ़ तेरे को अल्लाह नजर आएगा वहीं से। ये देखो भाई पता नहीं कहाँ गया, नजर ही नहीं आ रहा। वो देखो भाई वहां पे धूप है वो उस जगह पे, और ये सारी छाएं यहाँ पे भी छाए हैं, और ये ऊपर बादल है, किसी भी टाइम बारिश हो सकती है, लेकिन हमारे फौजी समझने को तैयार नहीं है, बैठ गए हैं चुप करके हथियार डाल के। क्या बोलते हैं भाई, मशवरे दे रहे हैं कि पहाड़ों पे कमांद कास्ट करो। वाह सुभान अल्लाह, चलो 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 भाई, हल बाबा हल हल मेरा क्या मनो घर से।